तो यहाँ पे हमने तीन क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन कर्व, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है और कह रहा कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। कह रहा कि इस कर्व पर आप वो पॉइंट बता दीजिए जहाँ पे टेंजेंट क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे कि ये कर्व का इक्वेशन है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा ना। तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको, पहले प्रॉब्लम को ध्यान दीजिएगा। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व 3b² y इक्वल्स x³ माइनस 3ax² नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 3b² y का dy बाई dx 3x² माइनस पावर आ गया जाएगा, ये आ जाएगा तो 6ax, सो dy बाई dx ये क्या आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे 3x² 6ax बाई 3b² dy बाई dx इक्वल 3 कॉमन लेके कट कर देंगे तो x² माइनस 2ax बाई बी का स्क्वायर। अच्छा ये जो dy बाई dx का ये आया है ना, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x और y पे, स्लोप ऑफ ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px, y पे। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन ये है दिया हुआ, कह रहा कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम जानते हैं कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या पता है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, सो ये क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया फ्रॉम इक्वेशन वन से जीरो। इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन टू मान लीजिए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2ax बाई बी का स्क्वायर, ये हो गया जीरो, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा x² माइनस 2ax इक्वल्स टू जीरो, तो x कॉमन होगा तो x माइनस 2ax इक्वल जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से। तो यार होगा क्या, ये क्वाड्रेटिक है तो हमने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया इसको, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक तो x बराबर जीरो और यहाँ पे x माइनस 2ax, सॉरी x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे कॉमन होगा तो ये नहीं होगा, ओके x माइनस 2a इक्वल्स टू जीरो 2a। तो ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट क्या क्या मिल गया हमें, पॉइंट हमें मिल गया पहला x बराबर 100 पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट देखिए तो x बराबर 0 है तो y बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जब पुट करिएगा ना 0 0, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल 0 नहीं, y बराबर भी क्या होगा 0, ओके। एंड एक और पॉइंट मिल गया हमें, एक और पॉइंट मिल गया, जरा सोचिए, जब x की वैल्यू 2a, x की वैल्यू 2a, तो जब आप पुट करिएगा यहाँ पे, जरा समझिए, जब x की वैल्यू 2a तो फिर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पुट करिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3b, यहाँ पुट करिए कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8
ए का क्यू माइनस यहाँ पे पुट करिएगा कितना हो जाएगा, दो दूना चार तिहाई बारह ए का क्यू, ओके ये कितना आ जाएगा माइनस बारह में से चार गया सॉरी आठ गया माइनस फोर ए का क्यू। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं माइनस फोर ए का क्यू बाई थ्री बी का स्क्वायर, ओके सो पॉइंट्स आर माइनस फोर ए का क्यू सॉरी माइनस फोर ए का क्यू बाई थ्री बी का स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से ये पहले प्रॉब्लम को हमने ख़त्म किया। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर टू पे बात करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर टू क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि मैं एक चीज कह चुका हूं कि जो सवाल लगाने की जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए, और दूसरी चीज टेक्निक तभी आएगी जब आपको बहुत ही बेसिक से बेसिक बात आपको पता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब देखिए कैसे क्या बात है, इसमें कह रहा एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इक्वल साइन एक्स इज द टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन एक्स ये कर्व का इक्वेशन है, और इस कर्व के किस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे होगा ना, ये साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे चलता जाता है। तो मान लेते पहला तो पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है, फिर नीचे वाला में अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ भी ये पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ऐसे फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी पॉसिबल है, फिर आगे बढ़ेगा तो ऐसे यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इन दिस केस हम करेंगे क्या, आप जरा अच्छे तरीके से ध्यान रखें, इक्वेशन ऑफ कर्व, दूसरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करते हैं, ओके इक्वेशन ऑफ कर्व वाई इक्वल साइन एक्स, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। अब ये देखिए ये जो आया है ना ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कामा वाई पे, ठीक है। इफ अब हमको जानते हैं क्या, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, सो क्या हो जाएगा कॉस एक्स विल बी जीरो, कॉस एक्स इक्वल जीरो। अच्छा ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि कॉस थीटा इक्वल जीरो तो थीटा कैसे कितने वैल्यू होगी जिस पर ये जीरो होगा, तो थीटा इक्वल टू आपको पता होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, अब तो इंटीजर पता होगा आपको, ओके अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि साइन x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे जैसे आप ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे देखेंगे कभी यहां पैरेलल कभी यहां फिर यहां फिर यहां ऐसे, ठीक है x के पैरेलल है कि नहीं सब ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए अब जब x की वैल्यू ये मिल ही गई है तो फिर y की क्या हो जाएगा, नाउ इस x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा, सो y इक्वल्स क्या मिल जाएगा x, x की वैल्यू 2n, हमें इसका पाई बाई टू का देखिए पाई बाई टू का मल्टीप्लाई कर दे 2 से 2 कैंसिल तो n पाई, अरे बोलिए, और पाई बाई टू। अच्छा अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉजिक सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, y इधर पॉजिटिव होगा और इधर y नेगेटिव होगा, होगा ना, तो किस केस में, अब सोचिए कि जब n की वैल्यू 1
तो n की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई टू। अरे भाई n की वैल्यू 1 तो पाई प्लस पाई बाई टू यानी क्या आ जाएगा, माइनस 1 होगा ना। फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 ऐसे देखिए, n की वैल्यू 2 मतलब ये एक चक्कर लगाएगा तो पाई, फिर आगे बढ़ गया तो तीसरे में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो माइनस 1 ठीक है। अच्छा जब 2 होगा तो एक पाई 1 पाई 2 पाई, तो फिर क्या हो गया, पॉजिटिव 1 ठीक है, फिर नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1। तो ये देखिए किस प्रकार से मिल रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे इसको हम लिख सकते हैं, y इक्वल ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, आप लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, साइन n पाई प्लस थीटा हो, थीटा जब पाई बाई टू है तो आप लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n साइन थीटा, 1 टू द पावर n, एक बार और हो सकता है दिखे ना, ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा हो तो इक्वल लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n साइन थीटा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू जब 1 होगा तो जो है कि माइनस 1, 2 होगा तो प्लस 1, 3 होगा तो माइनस 1 ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे होगा क्या, आप लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n साइन पाई बाई टू, सो y इक्वल माइनस 1 टू द पावर n। सो पॉइंट क्या हो जाएगा, ओनली 1 पॉइंट मिल रहा, सो पॉइंट क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई टू कामा माइनस 1 टू द पावर n। ये देखिए ये पॉइंट।